गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर विद अ न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और बस मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, नहा धो चुकी हूँ, अभी जस्ट किचन में आई हूँ, किचन में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज है सैटरडे और आज है बच्चों की पीटीएम। तो मुझे एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा आज लग रहा है कि एक तो पीटीएम और दूसरा ये है कि मेरे पास है एक्टिवा और हम हैं तीन जने, मतलब तीन बच्चे हैं और तीनों की है। तो अभी फिर हमने रात को डिसाइड किया कि मनन और मैं पहले जाएंगे उसकी पीटीएम अटेंड करने, फिर मैं मरन को यहाँ ड्रॉप करूंगी और डॉल और सौभाग्यों को लेके जाऊंगी पीटीएम, क्योंकि इनका रोल नंबर के अकॉर्डिंग कुछ टाइम डिसाइड किया है टीचर्स ने कि 1 से 10 तक इतने से इतने हैं, 9 से 10, 10 से 11 और फिर 11 से 12 ऐसे कुछ है। तो फिर हमने सोचा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे तीनों को लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी एक्टिवा पर। तो बस अभी फिर मैंने सोचा कि बस रेडी होती हूँ और अभी बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, कल मैं जिम से आने के बाद गई थी मंडी और काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई, तो मुझे मूली बहुत अच्छी दिखी थी, फ्रेश फ्रेश थी। तो मैंने क्या किया, कल थोड़े जो मूली थी मैंने उसको कद्दूकस करके रख लिया था फ्रिज में ही, और उसके पत्ते भी साथ में कट कर लिए थे जो सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। तो बस इसको ऐसे ही, अभी इसमें कुछ नहीं डाला था मैंने, तो उसको कद्दूकस कर लिया था अच्छे से उसको साफ करके। तो अब मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा सा मक्की का आटा और इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन, और अब मैं इसको इसमें डालूंगी, इसको आटा गूंदूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ मक्की के, जो मूली के परांठे होते हैं मक्की के आटे के। तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो अभी तो मैं ये तैयारी कर रही हूँ इसकी, और साथ में बन चुकी है चाय और यहाँ पर दूध भी उबल चुका है। तो फटाफट से ये चीज़ करते हैं क्योंकि अभी जाना है हमको स्कूल। तो गाइस, मैं इस तरह से रोटी को ऐसे मतलब हाथ से बनाती हूँ। नीचे आप, मैं तो कपड़ा यूज़ करती हूँ रोटी का, जैसे पोना होता है, आप लोग पोलोथीन कोई साफ अच्छी उसको साफ करके रख सकते हैं। उसको धीरे धीरे ऐसे जो आटे की लोई है उसको रख के धीरे धीरे प्रेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही पतली पतली बनती है और कहीं से भी नहीं टूटती है, ये देखिए। और एक ये तवे पर है, बन रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं इसको पलटाऊंगी, एक साइड से पक चुकी है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, नया दिन, दिन की शुरुआत। एक्चुअली कल व्लॉग शुरू किया था बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना था पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, और मैं गई भी वहाँ पर। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने जैसे पहले बताया था कि पहले मैं मनन के साथ जाऊँगी और फिर सांजू एंड सौभाग्य को लेके जाऊँगी, बट वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो इतना रश था, हमें मनन की ही मीटिंग अटेंड करते करते ऑलमोस्ट 11:45 हो गए थे, और 12 बजे की ही मीटिंग थी। जब हम संजू और सौभाग्य की क्लास में गए तो वहाँ पर इतना रश था, मुझे लगता है 12 बजे के करते करते 1:30 बजे मीटिंग ओवर हुई थी। तो इसलिए मैं वापस ही नहीं आई इनको लेने के लिए। तो फिलहाल मतलब मैं फिर मैं और मनन ही मीटिंग अटेंड करके आ गए थे। तो जो हम मीटिंग अटेंड करके आए थे तो हमें वापस आते आते 1:45 हो गए थे। आके मैं फटाफट से लंच की तैयारी में लग गई क्योंकि ये दोनों घर पर ही थे, और ब्रेकफास्ट हम करके गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया था, क्या 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 मतलब मक्की की रोटी बनाई थी मूली वाली। तो बस, और बच्चों के लिए आटे वाले, जो गेहूं के आटे वाली ही बनाई थी मैंने, अपने लिए बनाई थी। तो बस इनको ब्रेकफास्ट करवा के गए थे हम लोग। तो फिर आके मैंने लंच बनाया, तो आने के बाद थोड़ा सा थकावट भी हो गई और मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो कोई ना, जैसे कि आज नेक्स्ट डे है तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो बस अभी हम लोग उठ चुके हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या है कि कल थोड़ा सा आटा बच गया था मक्की वाला, जो मूली की रोटी बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो एक रोटी अपने लिए बना लेती हूँ, और साथ में मैं क्या ले रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, एक रोटी बनाई मैंने अपने लिए मूली वाली, ये है धनिया की चटनी जो कि मैंने बनाई थी, और ये मैंने लिया है दही। दही में मैंने थोड़ा सा खीरा काट के डाल लिया है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस मैंने थोड़ी सी एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी
काला नमक डाला है बस, और कुछ भी नहीं डाला मैंने। और साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पनीर, बिल्कुल मतलब एक एक टुकड़ा होता है ना जैसे इतना सा, उसके मैंने पीसेस किए हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने कट करके, जो इतना मैंने आधा खीरा लिया था और उसका बीच में से स्लाइस जो कट किया मैंने, वो आधा मैंने दही में डाला है और आधा मैंने ऐसे ले लिया। तो इसमें मैंने बस पनीर और थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कुछ ही पीसेस पनीर के हैं और कुछ ही पीसेस मतलब चार चार या पांच पीस पनीर के हैं, इसी तरह 5 से 6 पीस खीरे के हैं। और बस ऐसे लिया है मैंने। और इसमें मैंने यही जो धनिया की चटनी बनाई थी मैंने मैंने इसमें थोड़ी सी ये डाल के इसको मिक्स कर दिया। बस अभी फिलहाल मैं यही लूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ी है, जिम कर रही हूँ तो वेट लूज़ करना है तो बहुत ज़रूरी है, डाइट भी फॉलो करना है। तो मक्की की रोटी एक्चुअली खा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गेहूं का आटा खराब करता है। बाकी आप जैसे अगर आप भी जिम कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम नहीं भी जाते हैं या घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप गेहूं का आटा छोड़कर आप मक्की, ज्वार या रागी का आटा खा सकते हैं। तो अभी मेरे पास वो नहीं था, मैं सोचूं लेके आऊंगी, तो अभी मैंने फिलहाल मक्की की ही रोटी बना ली थी। तो अभी बस जस्ट ये फिनिश करेंगे, फिर मिलते हैं आपको। दोपहर का काम सारा निपटा के, क्योंकि एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को नहलाना धुलाना किया, और उसके बाद की मैंने कपड़े धोए, फिर मतलब सब कुछ समेट के, तो दोपहर को मैंने बनाए थे पुलाव। थोड़े से बचे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गैस ये मैंने बच्चे बनाए थे पुलाव, इसमें गोभी, प्याज, मटर थोड़ा सा डाला था, तो ये इतने से बचे हैं। तो और अभी डिनर की तैयारी हो गई है, डिनर में मना ने बनाया है ये देखिए, पनीर अब तो अच्छा हो गया, लबाबदार। अच्छा, ये देखिए, ये मनन ने बनाया है आज स्पेशल पनीर लबाबदार। एक्चुअली आज का हमारा मेन्यू कुछ और था, लेकिन चेंज हो गया। चिकन बनना था, फिर नॉन वेज से वेज हो गया। आज हमने बनाना था नॉन वेज चिकन, तो उसमें आज एक्चुअली मनन जी गए थे तो वहां पर शॉप ही बंद थी, शॉप पे गया था, वहां पे बंद थी, तो मनन का माइंड हो गया डाइवर्ट, तो उन्होंने बोला कि चलो अब नॉन वेज नहीं तो ये वेज में ही बना लेते हैं कुछ अच्छा, भेज देता हूँ दो से। तो और अभी आया है हमारा नोना हमसे मिलने दोपहर में, तो ये भाई साहब बिजी है डांस करने में, अभी स्किन का डांस दिखाते हैं। डोल गाना लगाना, डोल गाना लगाना, डांस करेगा, धीरे स्लो रखना बात। नानी तुम लक लक दुम दुम लक लक, तो ये हमारे राव साहब का डांस देख लो, ये इसका ये फेवरेट सॉन्ग है राव साहब। ओए होए, नीचे क्या था, राव साहब है जे, राव साहब हमारा राव साहब का, राव साहब है जे, हमारा राव साहब है। मेरा डिनर आ गया है, देख सकते हैं मैंने बनाया है ओट्स का चिल्ला, सिंपल कुछ नहीं किया है, ओट्स थोड़े से लिए हैं और उसमें मैंने 2 चम्मच दही डाला है, थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक और बारीक बारीक करके, और थोड़ा सा प्याज बारीक बारीक काट के, हल्का सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा, तो गाइज मैं बता रही थी कि थोड़ा सा नमक और हल्की सी काली मिर्च डाला है और हल्की सी मिर्च डाली है, अगर आप चाहो तो मिर्च स्किप भी कर सकते हो। तो बस मैंने ये चीज़ डाली है और ये सब्जी ली है थोड़ी सी, जो कि मैंने दिखाया था कि मन्ना ने बनाई थी पनीर की, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी चटनी बस। तो बहुत अच्छा बना है, आप भी ट्राई करिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं तो ले रही हूँ अपना डिनर और मम्मी लोग जा चुके हैं, अभी जस्ट गए हैं खाना वाना खा के, तो बस अब मैं भी फटाफट से अपना डिनर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप। तो गाइस अभी सब काम हो चुका है, किचन सिमट गई है और मम्मी लोग चले गए हैं, और उनका कॉल भी आ गया था कि हम पहुंच गए हैं,
बस अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। बच्चे ऑलमोस्ट सो चुके हैं, मतलब डॉल अभी जाग रही है और सुभाग्य और मनन सो चुके हैं, तो ये जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक ये नहीं सोएगी। तो बस अब इसका मैं भी सोऊंगी व्लॉग फाइंड करने के बाद ही। तो बस उसके बाद का रूटीन मैंने आपको बताया कि क्या, मतलब मैं इतना बिजी हो गई थी कि उसके बाद का व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाई, तो आज का दिन भी मैंने कवर कर दिया पूरा व्लॉग में। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और जिनको व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो मेरे जो व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट गाइज।